नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। वेलकम टू इल्यूमिनाटी हेडक्वार्टर्स, आई मीन डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आज हम बात करेंगे डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में। ये एयरपोर्ट 1995 में बनाया गया था। ये अपने निर्धारित समय से 16 महीने बाद तैयार हुआ था और इसके बनने में $2 बिलियन ज्यादा लगे, यानी ये एयरपोर्ट $4.8 बिलियन में तैयार हुआ। ये एयरपोर्ट में बहुत सारे हिडन मैसेजेस हैं, बंकर्स हैं और कुछ खास बातें हैं जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अमेरिका में डेनवर सिटी है, वहां ये एयरपोर्ट बनाया गया है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा और पूरी दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने की वजह से सबसे बिजी है। ये 33,531 एकर्स में फैला हुआ है। स्टेपलटन इंटरनेशनल एयरपोर्ट डेनवर में होने के बावजूद डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्यों बनाया गया? कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि यहाँ सीक्रेट सोसाइटीज के द्वारा कुछ और बनाया जा रहा था और उसे कवर अप करने के लिए उसके ऊपर एयरपोर्ट बना दिया गया। एयरपोर्ट के नीचे बड़े बड़े बंकर्स बनाए गए हैं। उसमें एक थियरी ये है कि ये बंकर्स ग्लोबल इलिट्स, वर्ल्ड लीडर्स, सेलिब्रिटीज और पॉलिटिशियंस को छुपने के लिए बनाया गया है। जब तीसरा विश्व युद्ध होगा या परमाणु हमला होगा या कोरोना से भी खतरनाक कोई महामारी फैल जाएगी, उस वक्त उन लोगों के छुपने के लिए ये बंकर्स बनाए गए हैं। दूसरी थियरी ये है कि ये बंकर्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कमांड बंकर्स है। यहाँ से छुपकर सीक्रेट सोसाइटीज के लोग पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। एक थियोरी ये भी है कि फ्यूचर में फीमा कॉन्सेंट्रेशन कैंप के लिए बनाए गए हैं। दुनिया के कोई भी एयरपोर्ट में ऐसी टनल्स नहीं है। एयरपोर्ट टनल्स बनाने वाले वर्कर्स का कहना है कि टनल का कंस्ट्रक्शन कुछ अजीब तरीके का है। एयरपोर्ट के सामान को लाने ले जाने के लिए इतना बड़ा टनल जरूरी नहीं है। यहाँ कुछ अलग प्रकार की योजना हो सकती है। एयरपोर्ट में एंटर होते ही बहुत बड़ा हॉर्स का स्टेचू देखने को मिलेगा, जिसकी हाइट 32 फीट है और इसका वजन 9000 पाउंड यानी करीब 4100 किलोग्राम है। घोड़े की आंखें अंगारों की तरह लाल है, जैसे घोड़े के पेट में बहुत बड़ी आग लगी हो। ये घोड़े का कलर ब्लू कलर है, जिसका नाम ब्लू मस्टैंग है। मजे की बात तो ये है कि इसका निकनेम लूसीफर है, जो कि लूसीफर को शो करता है, ब्लू लूसीफर। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट का मानना है कि बाइबल में रेवलेशन के चैप्टर में जो चौथा घोड़े का जिक्र है, ये वही घोड़ा जो यहाँ डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर लगाया गया है और जिसका निकनेम ब्लू लूसीफर यानी ब्लूसीफर है। ये मौत को शो करता है, जिसे विनाश, दुष्काल, महामारी से पृथ्वी के चौथे हिस्से को खत्म करने का अधिकार दिया जाएगा। इसे लानत का घोड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने बनाने वाले को ही मार डाला था। ये स्टेच्यू बनाने वाला लुइस जिमनेस, जो कि स्टेच्यू बनाने में माहिर था और बहुत फेमस भी था, स्टेच्यू बनाते वक्त इस घोड़े का कुछ हिस्सा उसके ऊपर गिरा और वो मर गया। यानी स्टेच्यू ने कम्प्लीट होने से पहले ही अपने बनाने वाले की जान ले ली। डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक डेडिकेशन स्टोन लगाया गया है, जहां पर लिखा है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एयरपोर्ट कमीशन। चौंकाने वाली बात तो ये है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई कमीशन है ही नहीं। यहाँ खुलेआम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात हो रही है। सीक्रेट सोसाइटीज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहती है, जिसमें ग्लोबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी। इसी स्टोन के ऊपर फ्रीमेसनरी का सिंबल बनाया गया है। फ्रीमेसन एक सीक्रेट सोसाइटी है, जो दुनिया में सबसे बड़ी सीक्रेट सोसाइटी मानी जाती है। यहाँ फ्रीमेसन के सिंबल के नीचे मार्च 19, 1994 लिखा गया है। ये एयरपोर्ट की डेडिकेशन डेट है। अगर इसके आंकड़ों को मिलाते हैं तो 33 होता है, जो कि फ्रीमेसन की हाईएस्ट डिग्री को शो करता है। एयरपोर्ट के ऊपर कई पेंटिंग्स बनाए गए हैं, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। एयरपोर्ट पर जो पेंटिंग्स लगाई गई हैं, ये पेंटिंग्स एयरपोर्ट अथॉरिटी, प्रोजेक्ट सिलेक्शन पैनल्स और लीडर्स ने सोच समझ कर लगाई हैं। कई कंप्लेंट्स आने के बाद कुछ पेंटिंग्स हटा ली गई हैं और कुछ आज भी लगी हुई हैं। आइए जानते हैं ये पेंटिंग्स क्या कहना चाहती हैं। यहाँ ये सोल्जर के हाथ में मशीन गन है और दूसरे हाथ में तलवार है। उसने एक कबूतर, जो कि शांति का प्रतीक माना जाता है, उसे तलवार से मार दिया है। बच्चे मरे हुए हैं, लोग रो रहे हैं और तबाही दिखाई गई है। यानी ये सोल्जर के रास्ते में जो भी आया उसे उसने तबाह कर दिया। ये नाजी सोल्जर है। हिटलर के दौर में जो सोल्जर्स थे उसे नाजी कहा जाता था। उन्होंने गैस मास्क पहनकर यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाल दिया था और उनका कत्लेआम कर दिया था। यहाँ यहूदियों का फॉल डाउन दिखाया गया है। ये पेंटिंग में बहुत सारे बच्चे दिखाए गए हैं और हर एक के हाथों में अपनी कंट्री का फ्लैग है और उसी फ्लैग में अपनी कंट्री का वेपन कवर किया हुआ है। सब बच्चे ये सब लाकर एक छोटे बच्चे को दे रहे हैं। नीचे आप गौर करें तो बच्चों के आगे नाजी मरा हुआ दिखाया गया है और उसके ऊपर शांति का प्रतीक दो कबूतर बैठे हुए हैं। थियोरिस्ट का मानना है कि हिटलर के डाउनफॉल होने के बाद इसराइल अस्तित्व में आया और यहाँ यही दिखाया गया है कि इसराइल के उभरने के बाद दुनिया की हर एक कंट्री अपना पावर इसराइल के हाथों में दे देगा और वेपन को खत्म कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। ये बात इस पेंटिंग में दिखाई गई है।
इस पेंटिंग में पीछे जंगल और शहर को जलता हुआ दिखाया गया है और इसकी वजह से जंगल में रहने वाले एनिमल्स की जिंदगी खतरे में देखने को मिलती है। इंसानों को दुखी दिखाया गया है और एनिमल्स को बचाते हुए दिखाया गया है। पीछे छोटी लड़की के हाथों में मायन कैलेंडर दिखाया गया है। मायन कैलेंडर के मुताबिक साल 2012 में दुनिया का अंत होना था या दुनिया का रीबर्थ होना था। नीचे एक अफ्रीकन लेडी, अमेरिकन मूड की लेडी और यहूदी लड़की को मरे हुए दिखाया गया है। ये पेंटिंग में सिर्फ तबाही दिखाई गई है। चौथे पेंटिंग में दुनिया के सब देशों के लोग खुशहाल दिखाए गए हैं। सब नए खिलते पौधे की ओर जा रहे हैं और सब बहुत खुश है। यहाँ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिखाया गया है। एक ही गवर्नमेंट, एक ही रिलीजियन, एक ही करेंसी और एक ही लीडर, जिसे सब लोग खुशी खुशी कबूल कर लेंगे। कुछ थियोरिस्ट का मानना है कि यहाँ बीच में जो पौधा दिखाया गया है वो एंटी क्राइस्ट को शो करता है और पूरी दुनिया उसे खुशी खुशी अपना लेगी। ये चारों पेंटिंग्स न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ इशारा करती है। पहले तबाही, बाद में शांति और लास्ट में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। इस पेंटिंग में कुछ लोग दिखाए गए हैं जिनके चेहरों पर अपनी ही कंट्री के फ्लैग का मास्क लगाया गया है और इसमें बच्चे और जवान लोग दिखाए गए हैं। खास ध्यान रहे, ये पेंटिंग 1994 में डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लगाई गई थी। क्या ये लोग पहले से जानते थे कि ऐसी कोई महामारी आने वाली है जिसमें सब देशों के इंसानों को खुद के बचाव के लिए मास्क पहनना पड़ेगा? इंसानों पर लगाया गया मास्क उनके देश को रिप्रेजेंट करता है। यहां खास बात तो यह है कि बीच में एक अरब को इजराइल का मास्क पहना हुआ दिखाया गया है। साल 1994 में अरब कंट्रीज इसराइल को पसंद नहीं करती थी, तो यहाँ ये क्यों दिखाया गया है ये सोचने वाली बात है। क्या सालों पहले इन सब पेंटिंग्स के द्वारा इन शैतान के पुजारियों के प्लांट्स दिखाए गए हैं? या इन शैतान के पुजारियों ने पहले से प्रिडिक्ट कर दिया था कि भविष्य में ये होने वाला है? एयरपोर्ट पर एक बड़ा सा टाइल लगाया गया है जिस पर लिखा है AUAG। केमिकल लैंग्वेज में AUAG गोल्ड और सिल्वर को कहा जाता है। दुनिया के इलिट यानी रॉथचाइल्ड फैमिली, जो कि इल्लुमिनाटी की 13 ब्लडलाइन में से एक है, चांदी और सोना जमा कर दुनिया की करेंसी को अप एंड डाउन करते हैं, यानी करेंसी पर हुकूमत चलाते हैं। कुछ थियोरिस्ट का मानना है कि यहां ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, जो कि जानलेवा वायरस है, उसकी बात हो रही है। एयरपोर्ट का जो रनवे है वो भी अजीब है। एयरपोर्ट की गूगल तस्वीर या ऊपर से ले गई तस्वीर देखें तो उसके रनवे का शेप पैरेलल नहीं है या सीधा नहीं है, बल्कि स्वस्तिका शेप का है। सीक्रेट सोसाइटीज सिंबलिज्म में बहुत मानती है। स्वस्तिका जर्मन आर्मी का सिंबल है और इल्यूमिनाटी की शुरुआत जर्मनी से हुई थी। एयरपोर्ट में बीच में एक स्टेच्यू लगाया गया है जिसे चैटी गोरगल कहा जाता है। इसे देखते ही पता चल जाता है कि ये शैतान का स्टेच्यू है। अगर आपको एयरपोर्ट के बारे में कुछ पूछना है तो आप इसे पूछ सकते हैं। ये आपको सही रास्ता भी दिखाएगा। अगर आप बोर हो रहे हो तो आप उसके साथ बात भी कर सकते हो। यहाँ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि शैतान अच्छा है, वो आपको बोर नहीं करेगा, खुश रखेगा और सही रास्ता भी दिखाएगा। डेनवर एयरपोर्ट को इल्यूमिनाटी का हेडक्वार्टर क्यों कहा जाता है ये तो अब आपको पता चल ही गया होगा। ये एयरपोर्ट रहस्यमयी है। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट का ये कहना है कि इस एयरपोर्ट के नजदीक दुनिया के इलिट्स, पॉलिटिशियंस और सेलिब्रिटीज प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या जमीन खरीद रहे हैं, ताकि जब दुनिया में तबाही आए तो ये लोग एयरपोर्ट में बनाए गए 5 माला बंकर्स में छिप सके। आज भी उस बंकर्स में से ब्लास्ट की आवाजें आती रहती है, यानी आज भी बंकर्स बनाने का काम जारी है। तो दोस्तों, ये तो थी सीक्रेट सोसाइटी के हेडक्वार्टर डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सच्चाई। आप इसके बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आज ही इसे सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अब मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।